हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम शशिकांत है। मैं आपको आज गेहूं की फसल के बारे में कुछ अपने अनुभव से बताना चाहता हूं। यह है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल का साइंटिफिक नेम, गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्रिकम एवेस्टिवम है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में, भारत में MS स्वामीनाथन है। भारत में MS स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। गेहूं जो एक बीजपत्री पौधा है, इसकी बुआई नवंबर 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच की जाती है और इसकी कटाई मार्च लास्ट सप्ते से अप्रैल में कटाई हो जाती है। मोस्टली गेहूं में 4 पानी दिए जाते हैं और वो किस्म पर निर्भर करता है कि किस्म कौन सी है। गेहूं की फसल रबी की फसल है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। गेहूं की फसल रबी की फसल से संबंधित है, जब सरसों की फसल भी रबी से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं कुछ गेहूं के पौधे उखाड़ कर दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, यह है गेहूं का एक पौधा। इसमें अभी फर्स्ट टाइम पानी लग रहा है। ये देखिए, आपको मैं इसकी जड़ें दिखा देता हूँ। ये इसकी जड़ है, ये एक बीजपत्री पौधा है। ये समथिंग 1 महीने की फसल हो चुकी है। दोस्तों, मैं आज अपने खेत पे घूमने गया तो मैंने देखा पापा को कैसे पानी देते हैं। दोस्तों, ये पानी आ रहा है धोरे, बोलते हैं इसे, धोरे के माध्यम से तो इसमें पानी दिया जाता है फसल में। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो सरसों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ जो मुझे जानकारी है। धन्यवाद दोस्तों।